देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में ये कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन से लेकर और सांगानेर पुलिया तक 6.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसमें कुल 691 अतिक्रमणकारी हमने चिन्हित किए हैं और ये 200 फीट करने की कवायद है, 200 फीट रोड करने की। तो इसमें से आज हमने मेट्रो स्टेशन से और रजत पथ तक कल की थी और आज रजत पथ से लेकर और पटेल मार्ग तक करीब 250 स्ट्रक्चर आज तोड़ दिए हैं और अभी हमारी कार्रवाई जारी है। आज हाउसिंग बोर्ड तक करने का विचार है, लगातार कार्रवाई जारी है। बजे का तो चार बजे करीब, 4 बजे तक। नहीं, ये सब आरोप बेबुनियाद है, कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा है, समान भाव से काम किया जा रहा है। पहली बार इस तरह की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या आगे भी जेडी के द्वारा इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि ये सबसे बिगेस्ट जो एवेक्शन ड्राइव है ये है। इसमें करीब 700 अतिक्रमण चिन्हित करके तोड़े जा रहे हैं। इससे पहले इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई और अभी थोड़े दिन पूर्व हमने हीरापत से वंदे मातरम तक भी 225 स्ट्रक्चर रिमूव किए थे। तो ये करीब 1000 स्ट्रक्चर 15 दिन में जो है तोड़े जा रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में। तो ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। अगर बात करें तो यहाँ उपराष्ट्रपति की फैमिली भी जमीन है, उनकी भी, उनका कहना है उनकी भी मकान तोड़े जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, जो अतिक्रमण में है वही कार्रवाई की जा रही है, बाकी किसी